أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين مالك يوم الدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأولين والآخرين أشرف الخلائق أجمعين إمام المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات بر اللهم صل على محمد وآل محمد برادران عزیز ذکر حضرت بقية الله الاعظم ہے ہر چند کہ یہ ذکر ایام عزا میں ہو رہا ہے لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ شہداء کربلا اور حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا سوگوار تو ہمارا امامی ہے امام کی معرفت کے بغیر ہمارا کوئی عمل کوئی ارزش نہیں رکھتا نہ ہماری عزاداری ارزش رکھتی ہے نہ ہماری نماز ارزش رکھتی ہے کوئی بھی عمل اگر ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتے تو اس عمل کی کوئی ارزش نہیں ہے کل میں نے آپ کے سامنے حدیث پیغمبر پیش کی تھی جس میں حضور نے فرمایا ہے من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیا جو اس دنیا سے گزر جائے جو بھی مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور میں نے وضاحت کی تھی کہ جاہلیت کچھ اور ہے جہالت کچھ اور ہے جاہل انسان قاصر کہلاتا ہے لیکن جو جاہلیت پر مرے وہ قاصر نہیں مقصر ہوتا ہے یعنی وہ اپنے جہل کو دور کر سکتا ہے مگر دور نہیں کرتا مقصر کا پیمانہ آپ لوگوں نے جو بھی بنا رکھا ہو آپ حضرات نے مقصر کا جو بھی پیمانہ بنا رکھا ہو مگر شریعت کے میزان میں شریعت کی ترازو میں دین کی ترازو میں عقل و فطرت کی ترازو میں منطق و حکمت کی ترازو میں قرآن اور رسالت کی ترازو میں امامت اور ولایت کی ترازو میں مقصر صرف اسے کہتے ہیں جو معرفت حاصل کر سکتا ہو پھر بھی حاصل نہ کر اللہ
कभी कभी ये होता है कि अल्फाज ज़बानों पर जारी होते हैं और हम अल्फाज के मानी से भी वाकिफ़ नहीं होते हैं। हम बोलते हैं मगर वाकिफ़ नहीं होते कि क्या बोल रहे हैं। ये कैफियत बहुत ख़तरनाक है, ये कैफियत मुनासिब नहीं है, इससे इंसान का अमल ज़ाया हो जाता है, इंसान की रियाजत बर्बाद हो जाती है, इंसान की खेती उजड़ जाती है। जो भी कलिमा ज़बान से निकले उसके मानी से आपको वाकिफ होना चाहिए। जो भी लफ्ज़ आपकी ज़बान से निकले उसकी मानवियत से आपको वाकिफ़ होना चाहिए। अल्फाज का भी वज़न होता है, अल्फाज का भी असर होता है। यह और बात है कि अल्फाज में असर आपकी नीयत से पैदा होता है। आपके अल्फाज में असर आपकी नीयत से पैदा होता है। रोज़मर्रा का तजर्बा है, आप तजर्बा करके देखिए। आप कोई लफ्ज़ कहते हैं, एक जुमला कहते हैं, किसी से आप वो जुमला मिजाहन कहते हैं, किसी दूसरे शख्स से वो जुमला आप तनज़न कहते हैं, किसी तीसरे से वो जुमला आप बेतकल्लुफाना दोस्ती के तहत कहते हैं, किसी चौथे से वही जुमला आप संजीदगी से कहते हैं। जुमला एक होता है लेकिन नीयत और इरादा दिल में जो होता है वो जुमले के वज़न को बदलता चला जाता है। तासीर बदलती चली जाती है और जब वज़न बदल जाए, तासीर बदल जाए, असरात जो सामने आते हैं वो बदल जाते हैं, समरात जो हासिल होते हैं वो बदल जाते हैं। तो अल्फाज जब आप ज़बान से निकालें तो आपको उन अल्फाज के मानी और उसके मफहूम पर पूरी कुदरत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कलिमा आप इस तरह कह दें कि जिसके मानी से आप ख़ुद वाकिफ़ ना हो, जिसके असरात और आसार से आप ख़ुद वाकिफ़ ना हो। आपस में एक दूसरे के लिए इस तरह के कलिमात इस्तेमाल करना कि आप जिसको चाहें कासिर कह दें, जिसको चाहें मुकस्सिर कह दें, जिसको चाहें काफिर कह दें, ये एक मर्द मुस्लिम को एक मर्द मोमिन को जेब नहीं देता। हम मोमिन बनाने के लिए मसूल हैं न कि काफिर बनाने के लिए। हम मोमिन व मुस्लिम बनाने के लिए मामूर हैं न कि काफिर बनाने के लिए। दीन का दायरा बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, घटाना हमारा काम नहीं है। जो भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे उसको आप दायरे इस्लाम में शामिल रखें, आप दायरे इस्लाम में शामिल रखें। आपको हुक्म दिया गया है, अगर उसने दिल से नहीं कहा है तो दिल की खबर आपको नहीं है। जिसे दिल की खबर है वो निकाल देगा दायरे इस्लाम से। हम इसीलिए हमेशा इत्मीनान से रहते हैं, चाहे वो शुरू के लोग हों, बीच के लोग हों, आखिर के लोग हों। अगर किसी ने कलिमा दिल से नहीं कहा है तो हम दिल की खबर तो रखते नहीं हैं। इतना मालूम है जो दिलों की खबर रखने वाला है
वो आदिल है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के हक की जन्नत उन काफिरों को दे दे खुदा जिन्होंने ज़बान से कलिमा कहा दिल से ना कहा। ऐसा नहीं होगा, वो हमारा खुदा आदिल है, वो आलिम है, वो आदिल है, वो कादिर है। वो ऐसा आदिल नहीं है जो कादिर ना हो, और वो ऐसा कादिर नहीं है जो आदिल ना हो। दुनिया में किसी के पास कुदरत हो और अदालत ना हो तो जुल्म करता है। दुनिया में किसी के पास अदालत हो और कुदरत न हो तो ख़ुद मज़लूम बन जाता है, मगर वो आदिल भी है, कादिर भी है, आलिम भी है। हम ज़ाहिर पर अमल करने के लिए मामूर हुए हैं, हमें हुक्म दिया गया है हम ज़ाहिर पर अमल करेंगे। हमारे सामने कोई कलिमा पढ़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम उसे मुसलमान करार देंगे। हमें हक नहीं है कि हम उसे काफिर कहें। अगर उसने दिल से नहीं कहा है तो उसका मुहाकिमा वो करेगा जो दिलों का हाल जानने वाला है। मुहाकिमे का हक हमें नहीं है। खुदा का काम अपने हाथों में न लें, वरना दुनिया कभी संवर नहीं पाएगी। किसी को यह हक नहीं है, किसी को यह हक नहीं है। ना आप किसी को कासिर करार दें, ना मुकसिर करार दें, ना काफिर करार दें, नहीं। दूसरे के हाल अहवाल पर नज़र डालने से पहले अपने हाल अहवाल पर बाखुद बाश आगा, बाखुद बाश, अपनी फिक्र करें, अपनी फिक्र करें। एक बात आज सीख कर जाएं मजलिस से, अपनी फिक्र करें। कोई दूसरा आपकी फिक्र नहीं करेगा, कोई दूसरा आपके लिए फिक्रमंद नहीं हो सकता। आप दूसरों के लिए क्यों फिक्रमंद हैं? अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने नफ्स को, अपनी रूह को, अपनी ज़ात को हलाकत से बचाएं। क़ुरान मजीद की आवाज़ है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को, अपने नफूस को और अपने अहले खाना को आतश जहन्नम से बचाओ। अपने आप को बचाओ। बचाने का तरीक़ा क्या है? अल्लाह के रास्ते पर चलना। बचाने का तरीक़ा क्या है? सिरात हक पर आगे बढ़ना। सिरात क्या है? सिरात राह खुदा है। सिरात कोई स्टील का पुल नहीं है, कोई लोहे का ब्रिज नहीं है, कोई लकड़ी का ब्रिज नहीं है। सिरात राह खुदा का नाम है। अल्लाह का रास्ता ही सिरात है। यकीनन वो बाल से ज़्यादा बारीक है, वो तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। ये ताबीर इसलिए की गई है कि अल्लाह का रास्ता बिल्कुल सीधा है, ज़रा सा भी उसमें इन्हराफ हुआ इधर भी बातिल है उधर भी बातिल है, इधर भी बातिल है उधर भी बातिल है। अल्लाह का रास्ता बिल्कुल सीधा है। नहीं मालूम है, सबसे पहले हमें अपनी मारिफत को दूर करना, अपनी मारिफत को बढ़ाना चाहिए, अपनी जहालत को दूर करना चाहिए। यही तरीक़ा जीने का है, यही तरीक़ा पनपने का है, यही तरीक़ा दुनिया भी संवारने का है, आखिरत भी संवारने का है। मारिफत हासिल करें। कल मैंने अर्ज़ किया था, इंसान सिर्फ दो कामों के लिए पैदा हुआ है, ज़्यादा परेशान ना हो। इंसान घर बनाने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इंसान कारें ख़रीदने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इंसान सियासत करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इंसान ख़जाने जमा करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, इंसान जंग व जदल के लिए नहीं पैदा हुआ है। इंसान दो कामों के लिए पैदा हुआ है,
एक मारिफत एक इश्क। खास चीज़ें दो ही हैं आपके पास, एक दिल है एक दिमाग, बाकी सारा जिस्म तो दिल और दिमाग को संभालने के लिए है। दो ही चीज़ें हैं, दिल है और दिमाग, बाकी पूरा जो हैकल वजूद है, ये जो पूरा हैकल बशरी है, ये जो पूरा जिस्म है, ये दो चीज़ों को संभालने के लिए है, दिल और दिमाग। दिमाग है मारिफत हासिल करने के लिए, दिल है इश्क करने के लिए। अब बाकी दुनिया के तमाम काम हैं, मगर जितना मारिफत का तकाजा हो, जितना इश्क का मुतालिबा हो। ये नहीं कहता घर ना बनाओ, ये नहीं कहता ख़जाना जमा ना करो, ये नहीं कहता बिजनेस ना करो, ये नहीं कहता सियासत में दखल ना दो, नहीं, सब कुछ करो मगर उतना जितना मारिफत का तकाजा हो, जितना इश्क का मुतालिबा हो। मारिफत किससे, मारिफत किसकी और इश्क किससे, दोनों चीज़ें मरबूत हैं खुदा से। मारिफत खुदा की, इश्क खुदा से। मारिफत खुदा की, इश्क खुदा से। जितना मारिफत का तकाजा हो, जितना इश्क का मुतालिबा हो, उतना दामन ज़िंदगी का फैलाओ, उतना दामन ज़िंदगी का फैलाओ। जीने का सलीका यही है। खुदा से इश्क करें कैसे, मुमकिन नहीं है जब तक कि खुदा के नाम से वाकिफ ना हो। खुदा की मारिफत कैसे हासिल होगी, नामों को जानकर। खुदा से इश्क कैसे होगा, उसके निशानों को देखकर। बात नामो निशान तक पहुंच गई ना। कल मैंने अर्ज़ किया था कि इश्क मुमकिन नहीं है जब तक कि मारिफत ना हो। मारिफत के लिए नाम और निशान दरकार है। अल्लाह के नाम, अल्लाह के निशानात, अस्माउल्लाह आयातुल्लाह, अस्माउल्लाह अल्लाह के नाम, आयातुल्लाह अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह के निशानात। इन दो चीज़ों की जस्तजू रहनी चाहिए इंसान को, और फितरी तौर पर इंसान इस तरह पैदा किया गया है कि उसे इसकी जस्तजू रहती है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे नाम खुदा की जस्तजू ना हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसे निशानात खुदा की जस्तजू ना हो। दुनिया का कोई भी इंसान आज तक मुझे तो नहीं मिला कि जो नाम खुदा का आरजूमंद ना हो। सिर्फ यही नहीं कि मोमिनीन मुस्लिमीन, सिर्फ यही नहीं कि मुर्तावीन, सिर्फ यही नहीं कि रियाजत करने वाले अहले मारिफत अरबाब सैर सलूक, सिर्फ यही लोग नाम खुदा के मुतलाशी हों, मुतजस्सिस हों, इसमें आज़म की तलाश में हों, ऐसा नहीं है। दुनिया में मैंने बहुत से मुल्कों का सफ़र किया है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, और हर मुल्क की जवान और नौजवान नस्ल से मैंने मुलाकात की है। लाइब्रेरियों में चला जाता हूँ, बैठा रहता हूँ तन्हा, और वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मेरे इस हयूले को देख कर कभी मेरे करीब आते हैं, कभी मुझसे भागते हैं। जो मेरे करीब आता है मैं उससे भी बात करता हूँ, जो मुझसे भागता है मैं उससे भी बात करता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं भागने वाली चीज़ नहीं हूँ। ब्रिटिश लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहाँ भी गया
मैंने सबसे अहम काम मेरा ये होता है कि लाइब्रेरी में जाऊँ। लाइब्रेरी में वो नस्ल आती है जो इल्म से जुड़ी हुई होती है। किसी मुल्क के मुस्तकबिल को अगर देखना हो तो ये देखो कि लाइब्रेरी से कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। जब मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ तो आप वाह वाह कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूं आपके कितने बच्चे लाइब्रेरियों से जुड़े हुए हैं। आप अंजुमनें बनाते हैं, हर अंजुमन को एक इमाम बारगाह के साथ एक लाइब्रेरी भी बनानी चाहिए। आपके लिए कोई दूसरा आकर लाइब्रेरी नहीं बनाएगा। यूरोप में तो निज़ाम है हुकूमत का, हर सिटी काउंसिल की एक लाइब्रेरी होती है, हर काउंटी की एक लाइब्रेरी होती है, हर शायर की एक बड़ी लाइब्रेरी होती है, गोया हर महल्ले की एक लाइब्रेरी होती है। हमारे यहाँ भी हुकूमतों के दस्तूर में और प्लानों में होगा, मगर अमल तो नहीं हो रहा है। दोनों मुल्कों का एक ही हाल है, दोनों मुल्कों का एक ही हाल है, अमल नहीं हो रहा है। कोई आपके लिए कुतुबखाना नहीं बनाएगा, आप अपने लिए ख़ुद कुतुबखाना बनाएं। वही नस्लें सआदतमंद होती हैं जो किताबों के ज़ेरे साया परवान चढ़ती हैं। ठीक है, ये दौर इंटरनेट का है, ये दौर जो है वो कंप्यूटर्स का है, उसके बावजूद किताबों से जुड़े रहें, बासवाद नस्ल रहे। जहाँ सवाद हर्फ न होगा वहाँ बयाज मानी कहाँ से पैदा होगा। जहाँ सवाद हर्फ न होगा वहाँ बयाज मानी कहाँ से पैदा होगा। आपने मुझे बुलाया है, जो जो कह रहा हूँ, मैंने लाहौर में भी कहा था, लोग आते हैं चले जाते हैं, और जाते वक्त कहते हैं कहा सुना माफ़ कर देना भाई। मैं कहता हूँ कहा सुना याद रखिएगा। बुलाया किस लिए? कुछ कहने के लिए बुलाया है, कह रहा हूँ उसे याद रखिएगा। हर अंजुमन को एक कुतुबखाना बनाना चाहिए, किताब, और जब किताब होगी तो किताब पढ़ाने वाले का इंतज़ाम भी होना चाहिए। सिर्फ किताब काफ़ी नहीं है, ना कल काफ़ी थी ना आज काफ़ी है ना कल काफ़ी होगी। सिर्फ किताब काफ़ी नहीं है, किसी के लिए काफ़ी नहीं है तो आपके लिए कैसे काफ़ी हो जाएगी? बड़े बड़ों के लिए किताब काफ़ी ना हुई तो आपके लिए क्या काफ़ी हो जाएगी? किताब काफ़ी नहीं है, किताब का एहतमाम करें और साथ में किताब पढ़ाने वाले उलमा का इंतज़ाम करें। बेसवादों को उलमा ना कहें, बासवाद और ज़िम्मेदार उलमा की तौहीन न करें। मिल्लत इस्लामिया शुरू से लेकर आज तक तफरीके का शिकार सिर्फ इसलिए रही है कि जो वाकयान आलिम था उससे वाबस्ता ना हो सकी। कौन था आलिम इस उम्मत का? इस उम्मत का क्या, कायनात का सबसे बड़ा आलिम बस एक है। खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा ऐन इल्म है। हम आलिम उसे मजाजन कहते हैं, वो ऐन इल्म है। खुदा ऐन इल्म है, इल्म सिफत ज़ाती है, इल्म सिफत ज़ाती है परवरदिगार की, खुदा ऐन इल्म है। सबसे बड़ा आलिम इस कायनात का कोई और नहीं है सिवाय अली इब्न अबी तालिब। सिर्फ एक है आलिम। आप ये कहेंगे कि फिर इन्होंने मुबालगा किया,
ये तो फ़िरका ही मुबालिगा करने वालों का है, ऐसा नहीं है। हमारा फ़िरका तो आजिज़ी करने वालों का फ़िरका है। हम तो बूत और आबी हमारी सिफत है, गुलू नहीं है। खाक सारी हमारी सिफत होनी चाहिए, तवाज़ो हमारी सिफत होनी चाहिए, इनकसार हमारी सिफत होनी चाहिए, और बिहम्दिल्लाह है, बिहम्दिल्लाह है। इस कायनात का सबसे बड़ा आलिम हज़रत अली इब्न अबी तालिब की ज़ात है, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। कोई कहे कि फिर आपने पैगंबर को छोड़ दिया, जनाब वाला एक लफ्ज़ और है, सबसे बड़ा आलिम अली है, सबसे बड़ा मुअल्लिम मुहम्मद है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ذات حق سمدی عین علم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عین علم ہے، سر چشمہ علم ہے، اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات معلم کی ذات، کائنات کا سب سے بڑا معلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سب سے بڑے معلم نے جسے پڑھا لکھا کر عالم بنایا، وہ سب سے بڑا عالم علی ابن مرتضی، علی ابن ابی طالب، علی مرتضی کی ذات ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ خیال رہے کہ علی دنیا میں آنے کے بعد کسی کے شاگرد نہیں ہوئے مگر مصطفیٰ کے۔ مصطفیٰ کا شاگرد ہونا ان کے لیے عار نہیں تھا، شرف تھا، عار نہیں تھا، شرف تھا۔ لیکن اور اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ مسئلہ دیر تک ساتھ دے گا، دور تک ساتھ دے گا، بہت سے مسائل حل ہوں گے، بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ میں تو جملے سے جملے مربوط ہوتے چلے جاتے ہیں، کہتا چلا جاتا ہوں، بہت سے مسائل حل ہوں گے، بہت سے لوگ بہت سے اوصاف پیغمبر کے سلسلے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ مثلا پیغمبر لکھنا جانتے تھے یا نہیں، پیغمبر پڑھنا جانتے تھے یا نہیں، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اتنا معلوم ہے علی لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ اور اتنا معلوم ہے کہ علی نے سوائے محمد کے اور کسی سے نہ کچھ سیکھا، نہ کسی کے سامنے زانو عزت ہے۔ اب اگر پیغمبر لکھنا نہیں جانتے تھے تو علی کو کس نے لکھنا سکھایا؟ اگر پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو علی کو کس نے پڑھنا سکھایا؟ غور فرمایا، کائنات کا معلم اعظم مصطفیٰ کی ذات ہے، کائنات کا عالم سب سے بڑا علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ بہرحال یہ امت اگر اس عالم پر متحد ہو جاتی تو کوئی تفرقہ نہ ہوتا، کوئی تفرقہ نہیں۔ اور آج بھی یہی مسئلہ ہے، امت میں تفرقہ اس لیے ہے کہ لوگ علماء کا دامن چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ علم کا دامن چھوڑنا ہلاکت کا راستہ ہے۔ امت کا شیرازہ متحد رہے گا اگر آپ علماء سے جڑے رہیں گے، علماء، فقہا، مجتہدین، مراجع عظام، جو اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں قال اللہ، قال المعصوم کو سمجھنے کے لیے، قال اللہ، قال رسول اللہ، قال امیر المؤمنین، قال ابو عبد اللہ،
قال ابو الحسن معصومین کا قول سمجھنے میں ان کی اصل حیثیت, آپ کچھ بھی کہیے, مجتہد کہیے, فقیہ کہیے, مرجع تقلید کہیے, اصل حیثیت ان کی ایک راوی قول معصوم کی ہے. اصل شرف و افتخار کیا ہے؟ راوی قول معصوم ہونا, حامل روایت معصوم ہونا, یہ سب سے بڑا شرف ہے. بہرحال اشارتاً میں نے کچھ باتیں عرض کر دیں کہ معرفت سے جڑے رہیں اور عشق کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں. علم اور عشق کی راہ ہی آپ کو طے کرنی ہے, اور اللہ کے ناموں اور اس کی نشانیوں کے سہارے سے آگے بڑھنا ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. ایک اور بلند تر صلوات. اللہ کے ناموں اور اللہ کے نشانیوں کی جب فکر کرتے ہیں تو اب ایک اہم بحث چڑھتی ہے یہاں پر. نام خدا, اسم اللہ. اسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا نام. کتاب خدا شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے. کتاب خدا شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے. اسم اللہ سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ صرف اللہ سے کیوں نہیں شروع ہوتی؟ پہلا لفظ کتاب خدا کا اللہ نہیں ہے. اسم اللہ بھی نہیں ہے, بسم اللہ ہے. یہ ایک بے کیوں لگا ہوا ہے؟ اسے سمجھیں. بے حرف ہے, حرف جر ہے, یہ ربط اور رابطے کے لیے آتا ہے. بے حرف جر ہے, 14 معنی کے لیے آتا ہے. میں کیا کروں, یہ میں سخن گستری نہیں کر رہا ہوں. عربی نحو کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, بے میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں. عربی گرامر کے کسی سنجیدہ اسٹوڈنٹ سے جا کے پوچھئے, جو اچھی گرامر جانتا ہو, جس نے کم سے کم سیوطی و مغنی تک پڑھا ہو. ابن ہشام کی مغنی جو ہے اس کا باب رابع کم سے کم پڑھا ہو, تو آپ اس سے پوچھئے, وہ کہے گا ایک حرف جر جو بے ہے اس میں 14 معنی چھپے ہوئے. یہ ایک حرف 14 معنی کے لیے آتا ہے. قرآن شروع ہو رہا ہے جس حرف سے, اس حرف میں 14 معنی چھپے ہوئے ہیں. اللہ کے اسم اعظم تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو اس بے سے نہ گزرے. بسم اللہ. وہ بات, وہ سب جو جانتے ہیں وہ نہیں عرض کر رہا ہوں. بائے بسم اللہ پر جو علامہ اقبال کا شعر ہے وہ بہت مشہور ہے, اسے نہیں دہراؤں گا, اسے نہیں دہراؤں. اس میں ایک معنی ہے صرف. وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے اس میں ایک معنی ہے, میں تو 14 معنی کی بات کر رہا ہوں. بے سے گفتگو شروع ہوتی ہے. بے کیا ہے بنیادی طور پر؟ 14 معنی اپنی جگہ, 14 معانی نحویہ اس میں پوشیدہ ہیں. اب یہ بحث الگ ہے
कि वो 14 मानी बजा के इरादा इस्तेमाल हो सकते हैं या नहीं, एक लफ्ज़ या एक हर्फ या एक कलिमा एक से ज़्यादा मानी में बयक इरादा बयक इस्तेमाल मुमकिन है या नहीं मुमकिन है। ये इल्म उसूल फ़िक़्ह की बड़ी दकीक बहस है, अलबत्ता उसकी बहस नहीं छेड़ूंगा इस वक्त, सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इजमालन अगर गुफ्तगू हो तो बे जो हर्फ जर है किस लिए आता है, हरूफ का काम क्या है, रब्त व इर्तिबात, रब्त व इर्तिबात। जब रब्त व इर्तिबात के लिए हर्फ बे इबारत में मौजूद है तो रब्त व इर्तिबात के लिए हम वसीले का इनकार कैसे कर दें। कैसे इनकार कर, वसीले का इनकार नहीं कर सकते। वसीला क्या है, अल्लाह की मारिफत का और अल्लाह से इश्क का, उसके अस्मा की जस्तजू, अस्मा। अब इस्म की बहस पेचीदा है दकीक है, इस्मुल्लाह अल्लाह का नाम, अल्लाह का नाम। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद, तशरीफ लाएं, बुलंद हो जाएं, जगह दें, सलावात पढ़ें मोहम्मद। जब आप इल्म और उलमा की कदर शनासी छोड़ देंगे तो फिर मुआशरा बेरूह हो जाएगा, बेजान हो जाएगा। उलमा के लिए जगह छोड़नी चाहिए, उठना चाहिए, आलिम के एहतराम के लिए उठना बिदअत नहीं है, आलिम के एहतराम के लिए उठना शिर्क नहीं है। बारह तो अर्ज़ कर रहा था कि इस्मुल्लाह की बहस, अस्मा इलाहिया की बहस बड़ी अहम है। अल्लाह के नाम, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नाम की ज़रूरत ही क्या है, क्या ज़रूरत है नाम की। नाम ख़ुद आपकी ज़ात का एक निशान होता है, है ना, आपकी एक ज़ात है, आपका एक नाम है। जहाँ आप नहीं भी हैं वहाँ अगर आपका नाम पहुँच गया तो गोया आप पहुँच गए, है या नहीं, नाम की अहमियत है या नहीं, नाम की अहमियत है। जहाँ आप नहीं हैं आपका नाम अगर पहुँच गया इसका मतलब गोया कि आप पहुँच गए। अब नाम ख़ुद आपकी ज़ात की एक अलामत है, एक निशानी है। ये निशानी है अगर आपकी ज़ात की निशानी कोई लफ्ज़ हो तो वो भी आपके नाम की हैसियत रखता है, आपकी ज़ात की निशानी कोई लफ्ज़ ना हो कोई शय हो। तो वो भी आपके ज़ात की निस्बत से इस्म की हैसियत रखती है, क्या हैसियत रखती है, इस्म की हैसियत रखती है। मैं एक अजीब सी मिसाल दूं, आप हज़रात बर्दाश्त कर लीजिएगा। मेरा नाम अकील है, मेरे आने से पहले ऐलान हुआ होगा तो आपके जहन में मेरा तसव्वुर आ गया होगा। सबको मालूम है कि बीमार हैं और पता नहीं क्या क्या ऐलान हो गए, बीमार हूँ, तबीयत साथ अब भी नहीं दे रही है, मगर ये कि ईफा वादा है इसलिए आस कर रहा हूँ। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे शहादत नसीब हो जाए, इस पर तो आमीन कहिए। अब मेरा जब ताबूत बनेगा तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर नाम लिखा जाए अकील, उस पर अमामा रख दिया जाएगा, दूर से आदमी देख के समझ जाएगा ये अकील का ताबूत है,
उस वक्त मेरा अमामा मेरे नाम का काम करेगा। जरा सख्त और संगीन मिसाल है मगर बहरहाल कभी लफ्ज हमारी शख्सियत की निशानी बनता है, कभी हमसे मुतअल्लिक कोई शय हमारी ज़ात की निशानी बन जाती है। दोनों को हम इस्म कह सकते हैं इल्मी एतबार से। कभी लफ्ज इस्म बनता है, कभी कोई शय इस्म बनती है। तवज्जो है, परवरदिगार आलम के 99 जो नाम हैं अस्माए हुस्ना वो लफ्जी नाम हैं। अल्लाह एक लफ्ज है, रहमान एक लफ्ज है, रहीम एक लफ्ज है, करीम एक लफ्ज है, राज़िक एक कलिमा है, रज़ाक एक कलिमा है, सबूर शकूर ये अल्फाज हैं, बाकी एक इस्म है लफ्जी। ये सब अल्फाज हैं और अस्मा कहलाते हैं। तवज्जो है, लेकिन हर वो शय जो जहन को खुदा की तरफ ले जाए, उसे हम इस्मुल्लाह कह सकते हैं। तो फहरिस्त अस्माए हुस्ना की तो 99 तक जाती है। अस्माए हुस्ना यानी अच्छे अच्छे नाम, इसके मुकाबले में है अस्माए उज़्मा यानी बड़े बड़े नाम। एक है अच्छा नाम, एक है बड़ा नाम। इसमें आज़म यानी बड़ा नाम, अल्लाह का इसमें आज़म। अच्छा, अल्लाह के बहुत नाम हैं ये ख्याल रहे, इसलिए बहुत नाम है कि ज़ात मुबारक अहदी में औसाफ बहुत ज़्यादा है। जिसमें जितने औसाफ होते हैं उसके उतने ज़्यादा नाम होते हैं। बहुत बार मिसालें दे चुका हूँ, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कोई एक शख्स हो, वो शायर भी हो, वो नसर निगार भी हो, नसर में वो मुख्तलिफ़ क़िस्म की तहरीरें लिखता हो, कभी तंज़िया में ज़ाहिया तहरीर लिखता हो, कभी तनकीदी तहकीकी तहरीर लिखता हो, कभी मज़हबी तहरीर लिखता हो, कभी सियासी तहरीर लिखता हो, और दुश्मनों से बचने के लिए एक नाम से न लिखता हो, शायरी में तखल्लुस अलग होगा, जब वो सियासी तंज लिखेगा तो उसमें नाम इस्म मुस्तआर अलग होगा, जब वो तनकीदी अदब लिखेगा तो अलग नाम होगा, जब वो मजहबी कोई मकाला लिखेगा तो अलग नाम होगा। एक मुसन्निफ के कई नाम हो सकते हैं मुस्तआर, एक उसका घर का नाम होगा। तो एक शख्स में जितने औसाफ होंगे उतने नाम हो सकते हैं। महसूस मिसालें हमारे माशरे की रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें, अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात गिरामी, चूँकि बे इंतहा औसाफ हैं उसमें। कौन कह सकता है कि उसमें सिर्फ 6 या 7 या 8 सिफ़तें, वो सिफ़तें जो दीनियात में लिखी हुई हैं सिफ़ात सबूतिया और सिफ़ात सलबिया, बस उतनी ही सिफ़तें हैं अल्लाह की। और कौन कहता है कि बस 99 सिफ़तें हैं? अगर अल्लाह की ज़ात में पाई जाने वाली सिफतें गिन सकते होते तो खुदा महदूद न हो जाता। खुदा महदूद हो जाता? खुदा महदूद नहीं है, न उसकी ज़ात महदूद है, न उसके सिफात महदूद हैं। उसकी ज़ात के नामहदूद होने के मानी ही यह है कि उसके सिफात नामहदूद हैं, इसलिए कि उसकी ज़ात और सिफात में दुई नहीं है, सनवियत नहीं है, डुअलिटी नहीं है।
ये नहीं है कि उसकी ज़ात अलग है, इल्म कोई अलग शय है जिसे उसे हासिल करके उसने आलिम बन गया। ये नहीं कि उसकी ज़ात अलग है, रहम कोई शय अलग है जिसे हासिल करके वो रहीम बन गया। गौर फरमा रहे हैं आप, ऐसा नहीं। इल्म ऐन ज़ात इलाही है, करम ऐन ज़ात इलाही है, कुदरत ऐन ज़ात इलाही है। तवज्जो है, ज़ात इलाही नामहदूद और लामुतनाही है, यानी सिफात इलाही लामहदूद और नामुतनाही है। इसके मानी ये है कि अस्मा इलाही भी लामहदूद और नामुतनाही है। अल्लाह के नाम बहुत हैं। आमतौर पर एक रिवायत है जिसमें 99 नाम बताए गए हैं, और जनाब वाला दुआए मुबारक है जौशन कबीर में 1001 नाम है। उसूल काफ़ी में एक रिवायत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जिसमें बताया गया है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के 4000 नाम हैं। और ये 4000 ये भी हसर नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि कसरत का इजहार हो कि अल्लाह के नाम बेशुमार हैं। तो अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम बेशुमार हैं, हमें तमाम नामों का इल्म नहीं है। हमें लफ्ज की हद तक भी, लफ्ज की हद तक भी अल्लाह के नामों का एहसा और शुमार नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है। नफ्स के हद तक, नामों की हद तक, चे जाए के मानी की हद तक, चे जाए के औसाफ की हद तक। तो अब यहाँ पर एक मसला आता है कि फिर अल्लाह को किस नाम से पुकारें, जिसका जो दिल चाहे पुकार ले। नहीं, वहाँ कहते हैं अस्माए इलाहिया तौकीफिया हैं, यानी जो नाम बता दिए गए, सिखा दिए गए, उन्हीं नामों से पुकारो, खुद से अल्लाह का नाम न रखो। तवज्जो है, तवज्जो है। नाम तो बेशुमार हैं और हो सकते हैं, मगर जब पुकारने की मंजिल हो तो अल्लाह को उसके उन नामों से पुकारो जो नाम उसने खुद तालीम फरमाए हैं, जिन नामों के बारे में कहा है कि मुझे इन नामों के जरिए से पुकारो। जब अल्लाह को पुकारने के लिए, सिर्फ जबान से पुकारने के लिए हमें पाबंद बनाया गया, उन्हीं अल्फाज उन्हीं नामों के जरिए से पुकारो जो हमने मुअय्यन किए हैं, तो जब हमें पहुंचना होगा खुदा तक, तो फिर हम उन निशानात को तलाश करने पर मजबूर होंगे जो खुदा ने मुअय्यन किए हैं। फिर ये नहीं हो सकता कि हम जिसे चाहें अल्लाह के दरमियान वसीला करार दे लें, जिसे हम चाहें बना लें। हम इन्हें बना लेते हैं, हम इन्हें बना लेते हैं, आइए इलेक्शन करके बना लेते हैं, सिलेक्शन करके बना लेते हैं, नॉमिनेशन करके बना लेते हैं। नहीं, हम नाम अल्लाह को पुकारना हो तो उसने पाबंद किया कि जिन नामों से हम इजाजत दें उन्हीं नामों के जरिए से पुकारो। जब पुकारने के लिए अल्फाज के इंतखाब में पाबंद हैं, तो उस तक पहुंचने के लिए शख्सियतों के इंतखाब में भी पाबंद होंगे। आजाद नहीं है। अब यहां पर एक मरहला और, ये जो अस्माए इलाहिया हैं, लफ्जी अस्मा तौकीफियत, यानी हमें पाबंद किया गया है कि जो तालीम दिए गए हैं नाम, उन्हीं नामों के ज़रिए से पुकारें। और उसमें 99 नाम को कहा गया अस्माए हुस्ना, अच्छे अच्छे नाम। अब बात आई इसमें आज़म की, इसमें आज़म किसे कहा जाए। इसमें आज़म को भी कुछ लोग लफ्ज़ों में तलाश करते हैं, बस गलती यही है।
इश्तबाह यही है। इसमें आजम है इलाही, इसमें आजम यानी सबसे बड़ा नाम, जाहिर अल्फाज में जितने नाम हैं उस फहरिस्त में जो सबसे बड़ा नाम होगा उसे भी इसमें आजम कहा जाएगा, मगर वो होगा इसमें आजम लफजी, जो रिवायतें हैं कि ये कलिमात जो हैं वो इसमें आजम हैं, वो इसमें आजम हैं मगर कौन से, इसमें आजम है लफजी, इसमें आजम अलल इतलाक यानी लफजी और गैर लफजी दोनों तरह के नाम या जितने भी तरह के नाम खुदा के मुमकिन हैं उन तमाम नामों में जो सबसे बड़ा नाम हो सकता है वो होगा इसमें आजम अलल इतलाक। तवज्जो है, ताज़ा बहस है, जदीद बहस है। जो आम तौर पर आप इसमें आज़म कहते हैं वो इसमें आज़म लफ्ज़ी है, लेकिन खुदा के सिर्फ अल्फाज ही तो अल्लाह की ज़ात के असमा नहीं है। मसलन यहाँ मजलिस अज़ा होती है, अब एक नाम से ये जगह मशहूर है लेकिन उस नाम के ज़रिए से मैं कभी नहीं पहुँच सकता, तो मुझे बहुत सी निशानियां और बताई जाएंगी। कि अगर यहां तक पहुंचना है तो इतनी निशानियों को याद रखें आप, और जितना मैं नादान होऊंगा, जाहिल होऊंगा, अजनबी होऊंगा, उतनी ज्यादा निशानियां मुझे याद कराई जाएंगी। उसमें कुछ छोटी छोटी निशानियां होंगी, कुछ बड़े लैंडमार्क्स होंगे। गौर फरमाया आपने, कुछ छोटी निशानियां होंगी, कुछ बड़ी निशानियां होंगी। जो छोटी निशानियां हैं वो इस्म का दर्जा रखती हैं, जो बड़ी निशानियां हैं वो इसमें अकबर या इसमें आजम का दर्जा रखती हैं। उसमें कुछ लफ्जी निशानियां होंगी, कुछ आप इमारतों की निशानदेही करेंगे, जब आप आएंगे तो फला रास्ते से आइएगा, रोड की निशानदेही हुई, जब आप वहाँ पर उस बिल्डिंग तक पहुँचेंगे तो आप दाहिने मुड़ जाइएगा, बिल्डिंग की निशानदेही हुई, जब वहाँ तक आएंगे तो एक आदमी खड़ा हुआ मिलेगा, आदमी की निशानदेही हुई, आप बुला रहे हैं तो हमारे लिए निशानियाँ आप रखेंगे या नहीं रखेंगे। खुदा तमाम इंसानों को अपनी तरफ बुला रहा है, अब खुदा के लिए लाजिम है रास्ता भी बताए, इमारत भी बताए, शख्स भी बताए। रास्ता इस्लाम है, इमारत काबा है, शख्स मोहम्मद अली की जात। खुदा तक है, खुदा बुला रहा है, खुदा बुला रहा है तो रास्ता भी बताएगा, खुदा बुला रहा है तो इमारत भी बताएगा, खुदा बुला रहा है तो शख्स भी बताएगा। हम तक आना है तो इस्लाम के रास्ते से आओ, जब काबे तक पहुंच जाओ तो फिर इमारत को मत देखो, काबे तक पहुंच के फर्जंदे काबा को तलाश करो, फर्जंदे काबा तक पहुंच जाओ तो फिर ठहर ना जाओ, फर्जंदे काबा को जिसने मौला बनाया उसको तलाश करो। अली को मौला जानने वालों,
अली खुद साख्ता मौला नहीं आए, अली को मौला मोहम्मद ने बनाया, मोहम्मद को मौला अल्लाह ने बनाया। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। हज पर जाइएगा तो समझ लीजिएगा काबा मंजिल आखिर नहीं है। मंजिल मकसूद काबा नहीं है, दुर्र यतीम काबा है। दुर्र यतीम की तरकीब सिर्फ यतीम अलब के लिए नहीं आती है, ये तो अहले ज़बान जानते हैं, उसकी जो अदबी ताबीर है वो आप सब जानते होंगे इंशाअल्लाह। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं अदबियात की बहस छेड़ूँ यहाँ पर कि दुर्र यतीम का कलिमा किस लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू तमहीद थी एक मतलब की। कल जहाँ गुफ्तगू छोड़ी थी वहाँ तक आपके जहन को लाना था। इस्मुल्लाहिल अज़म यानी अल्लाह का बड़ा नाम, ये लफ्ज़ों में हो तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, ये लफ्ज़ी इस्म आज़म है, लफ्ज़ी इस्म आज़म है। मगर अगर इस्म आज़म को लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी जितने क़िस्म के हैं सब में तलाश करें तो फिर सबसे बड़ा इस्म आज़म कौन होगा? सवाल है या नहीं? सबसे बड़ा इस्म आज़म वो होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के सिफात पाए जाए। सबसे बड़ा इस्म आज़म वो होगा जिसमें अल्लाह के सिफात ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाए, जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा नज़दीक हो, जिस तक पहुँच के बस अल्लाह मिल जाए। जब हम ऐसे नामों की जस्तजू करते हैं, ऐसे नामों की जस्तजू जो अल्लाह के बड़े बड़े नाम हैं जिन तक पहुंच जाओ तो अल्लाह मिल जाए, सबसे पहला नाम बिला शक को शुभा हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर अव्वल खल्क अव्वल विआए मशीयत इलाही ज़र्फ इल्म इलाही ख़त्म नबुव्वत हज़रत मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा नाम अल्लाह का इस्मुल्लाहिल अज़म मुहम्मद की ज़ात है। अब एक बात कहूँ, दिल से सुनिएगा और अच्छी तरह याद रखिएगा। अंग्रेज़ों ने जो चीज़ें छीनी हैं, लूटी हैं, उनमें आपकी मानवियात को सल्ब कर लिया है। हमने बहुत से संजीदा लोगों को ये फप्ती कसते हुए देखा है, उलमा पर, अरबाब विला पर, आशिकान मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब वो कोई दुआ कोई चीज़ बताते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह, अरे जी हर मरस की दवा सल्ले अला मोहम्मद, मजाक उड़ाते हुए। मैंने सुना है नऊज़ु बिल्लाह, मोहम्मद इस्मुल्लाहिल अज़म हैं और हुजूर और उनके अहले बैत पर दरूद भेजना बिला शक व बिला शुबा हर मरज का इलाज है। नुस्खा लेकर जाइएगा, भूलिएगा नहीं।
खुदा से जो तलब करना हो, शफा तलब करना हो, मालो दौलत तलब करना हो, इल्म तलब करना हो, मारिफत तलब करना हो, ज़िंदगी तलब, जो तलब करना हो खुदा से, पहले दरूद पढ़ें, फिर तलब करें, फिर दरूद पढ़ें। खुदा मजबूर है देने पर। मजबूर है देने पर, मजबूर है देने पर। और तलब के बावजूद अगर देर में पूरी हो तलब, तो समझ लें कि वो तलब आपके लिए मुनासिब नहीं है। बस ये समझ लें कि मुनासिब नहीं। जो तलब करना, वहाँ कोशिश, जद्दोजहद, जो फितरी तबीयी तरीक़े हैं वो इख्तियार करने होंगे। इल्म हासिल करना है, किताबें पढ़नी होंगी, उलमा के पास जाना होगा, मदरसों में जाना होगा, यूनिवर्सिटीज़ में जाना होगा, रिसर्च करनी होगी, साथ साथ खुदा से दुआ भी करते रहें दरूद के साथ। परवरदिगार मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत को बराबर फरमाना तेरा काम है। रिस्क रोज़ी का मसला हो, खूब मेहनत कीजिए, खूब सही कीजिए। सुबह की बेदारी शर्त है, सुबह बेदारी कीजिए, सहर खेजी कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद दुआ कीजिए दरूद के साथ। दरूद मुहम्मद और आले मुहम्मद पर दरूद, सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसमें बेइंतहा तासीर है। और ये नुस्खा किसी और ने नहीं बताया। कौन जानता था कि अल्लाह की मजबूरियां क्या क्या हैं? कौन जानता? अब आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ। अल्लाह मजबूर नहीं है, सुए अदब ना हो, लेकिन आपकी मोहब्बत की ज़बान, गज़ल की ज़बान, शायरी की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायरी की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ। रहमत करना अल्लाह ने ख़ुद अपने ऊपर वाजिब करार दे लिया है, तो ये उसकी मजबूरी है। रिस्क देना अल्लाह ने ख़ुद अपने ऊपर वाजिब करार दे लिया है, उसकी मजबूरी है, देगा रिस्क, मजबूर नहीं है वो, अपनी रहमत के हाथों मजबूर है। लेकिन किसे मालूम था? जिसे मालूम था उसी ने बताया, किसी और ने नहीं बताया। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाया है, नहजुल बलागा में फरमाया है कि जब भी तुम्हें कोई हाजत तलब करनी हो, तो अल्लाह के रसूल पर और अहले बैत पे दुरूद ज़रूर भेजो, इसलिए कि ये वो दुआ है जो खुदा कभी रद्द नहीं करता है। और खुदा करीम है, ये मुमकिन नहीं है कि एक वक्त में दो चीज़ें तलब करो, एक दे और एक ना दे। नहजुल बलागा वो करीम है, मुमकिन नहीं है कि एक चीज़ दे और एक चीज़ ना दे। बहरहाल तो बात यहाँ तक आ गई कि आप अब आपके यहाँ मजलिसों में दरूद के नारे कम लगते हैं। सलावात मजलिस अज़ा की जीनत है, सलावात इल्मी मजालिस की जीनत है, हर खुतबे में सलावात है, दरमियान में सलावात, आखिर में सलावात, नमाज की जीनत सलावात, जीनत ही नहीं नमाज की शर्त कबूलियत है सलावात। सलावात की बड़ी अहमियत है। दरमियान में आ गई थी बात तो मैंने अर्ज़ कर दिया है, लेकिन अर्ज़ क्या कर रहा था कि इसमें आज़म अलल इतलाक़ ज़ात मुबारक मुस्तफ़ा है, लेकिन सिर्फ एक ही नहीं है, इसमें आज़म अलल इतलाक़ ज़ात मुबारक मुस्तफ़ा है, लेकिन उसके बाद ज़ात अली मुर्तज़ा वो भी इसमें आज़म है।
ذات حضرت فاطمہ زہرا. وہ بھی اسم اعظم الہی ہے. ذات امام حسن مشتبہ, ذات امام حسین, سب اسم اعظم ہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا اسماء حسنہ 99 ہیں, اسماء عظمہ 14 ہیں. اسماء عظمہ 14 ہیں. آخری اسم اعظم کا نام بقیت اللہ الاعظم. توجہ ہے؟ بس اب دو جملے کہوں گا, چونکہ ایک بات سمجھانے کے لیے ایک تمہید چاہیے ہوتی ہے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وجود مبارک و مقدس حضرت صاحب الزمان علیہ السلام اسم مبارک الباقی کا مظہر ہے. الباقی اللہ کے ناموں میں, لیکن دقیق بات یہ کہہ کر گزر گیا تھا کہ اسم مبارک باقی خود ذات احدی و صمدی پر مجازن اطلاق ہوتا ہے. کیوں؟ باقی تو اس شے کو کہیں گے جو زمانی ہو. تسلسل و استمرار زمان میں جو چیز باقی رہے, بقا کا تصور زمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. وقت گزر رہا ہے, گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ جو چیز مستمر باقی رہے وہ ہے باقی. جہاں زمان کا دخل ہی نہ ہو اس پر اس میں باقی کا اطلاق عقلاً ممکن نہیں ہے. خدا زمانے میں اسیر نہیں ہے, خدا زمانی نہیں ہے. خدا نہ زمانی ہے نہ مکانی. جب وہ نہ زمانی ہے نہ مکانی تو اسے باقی کیسے کہیں؟ اب جو اسے باقی کہتے ہیں تو مجاز ہے. اصل میں باقی کے معنی ہے سرمدی. ذات احد سرمدی ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. لوگ بلا وجہ میر باقر داماد کے نظریہ حدوث دہری کو رد کرتے ہیں بلا وجہ. ضروری ہے؟ چارہ ہی نہیں. میر باقر داماد بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں, انہوں نے حدوث و قدم کی بحث میں نظریہ حدوث دہری پیش کیا اور کہا تین چیزیں ہیں, تین چیزیں. جو فلسفے کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اس تبرک کو لے جائیں گے. تین چیزیں, ایک ہے زمان, ایک ہے دہر, ایک ہے سرمد. اس کائنات میں دو طرح کی چیزیں ہیں, کچھ چیزیں ثابت ہیں, کچھ چیزیں متغیر ہیں. کچھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, چینج اس میں مسلسل ہے. کچھ چیزیں ثابت ہیں جو بدلتی نہیں ہیں. اب ان دونوں میں جو رشتہ قائم ہوگا تو اس کی صرف تین صورتیں ہیں. کبھی ایک متغیر کا دوسرے متغیر سے رشتہ ہوگا, کبھی ایک ثابت کا دوسرے ثابت سے رشتہ ہوگا, کبھی ایک ثابت کا ایک متغیر سے رشتہ ہوگا. تین ہی صورتیں ہیں, چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. ثابت کا ثابت سے جب رشتہ ہوگا تو وہ ظرف سرمد میں ہوگا. ثابت کا متغیر سے جب تعلق ہوگا تو وہ ظرف دہر میں ہوگا. متغیر کا متغیر سے جب تعلق ہوگا تو وہ ظرف زمان میں ہوگا. توجہ ہے؟ ہم سب متغیر ہیں. یہ سورج متغیر ہے, یہ چاند متغیر ہے, یہ زمین متغیر ہے, یہ مکان متغیر ہے, یہ انسان متغیر ہے. ہمارا ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے وہ زمانی رشتہ ہے. ہمارا ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے وہ ہے زمانی رشتہ. توجہ رہے, توجہ رہے. لیکن ایک قائم حقیقت ہے,
एक साबित हकीकत है। हमारा उस साबित हकीकत से जो रिश्ता होगा वो ज़र्फ़ ज़मान में नहीं हो सकता, ज़र्फ़ दहर में होगा। इसीलिए खिलकत इंसान की तरफ जब तवज्जो दिलाई है इन कुरान मजीद ने, तो कहा हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर। जमान का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, वक्त का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, दहर का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या इंसान पर कोई ऐसा वक्त भी गुजरा है? हमारी जबान महदूद है, हम दहर का तर्जुमा भी वक्त करते हैं, जमान का तर्जुमा भी वक्त कर देते हैं, क्योंकि हमारी जबान महदूद है। वरना जमान और दहर में फर्क है। मुतगैर का मुतगैर से रिश्ता होगा या ताल्लुक होगा, मुआमला होगा, तो ज़र्फ़ ज़मान में होगा। मुतगैर का साबित से होगा तो ज़र्फ़ दहर में होगा। खुदा सरमदी है, ज़ाते खुदा सरमदी है, ना उस पर दहर का इतलाक होगा, ना उस पर जमान का इतलाक होगा। बाकी सिफत उसकी होगी जो जमानी हो। हर 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 ज़र्फ में उसके आयात हैं, हर ज़र्फ में उसकी निशानियां हैं। ज़र्फ़ समद में तो वो खुद है, वो सरमदी है, लेकिन हम ज़र्फ़ ज़मान में हैं। हम कैसे जाने के वो सरमदी है? हमारे समझाने के लिए कि मैं सरमदी हूं, वो जमानी और मकानी अफराद को बाकी बना देता है। और जो अपने वजूद मुबारक और मुकद्दस के साथ उसकी सरमदियत पर गवाह बन जाए, वही बाकी इसमें मुबारक बाकी बकियतुल्लाहिल आज़म कहलाता है। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक और सलावात पढ़ दे मोहम्मद। हिकमत है, फलसफा है, सुखन गुस्तरी नहीं है, सुखन गुस्तरी नहीं है। लफ्ज़ बाकी, अल्लाह के नामों की फहरिस्त में लफ्ज़ बाकी पढ़ लिया, अल्लाह को तो बाकी कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो ज़मानी नहीं है। बाकी तो किसी ज़मानी हकीकत को कहा जाता है। वो सरमदी है, वो लाहूती है, वो अल्लाह है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा। उसकी सरमदियत को जो समझा दे, उसको बाकी कहते हैं, और जो खूब अच्छी तरह समझा दे वो बकियतुल्लाहिल आज़म है। ईसा भी इसमें मुबारक बाकी का मज़हर है। और हज़रत साहिबुज़्ज़मान भी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ इसमें मुबारक बाकी का मज़हर है, मगर ये इमाम है वो मामूम, ये आज़म हैं। बकियतुल्लाहिल आज़म, इस इमाम तक पहुँचो, ये वो नाम है जिस तक पहुँचो तो खुदा मिल जाए। इसलिए आज हम सब मुकल्लफ हैं। हमारी तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ शरई। हमारे ऊपर क्या वाजिब है? हम अपने वक्त के इमाम की मारिफत पैदा करें, उन तक पहुँचने की कोशिश करें। पहुँचने की कोशिश बस एक है, राह खुदा, और कोई नहीं। राह खुदा पर चलना, इसके बग़ैर इमाम तक नहीं पहुँच सकते।
अब मैं अर्ज़ करूं कि बहुत से लोग चाहते हैं कि लंबा रास्ता ना हो, बकौल उमूम शॉर्टकट हो। कोई शॉर्टकट तलाश कीजिएगा तो भटकिएगा। सिरात मुस्तकीम है ये, सिरात मुस्तकीम से ज़्यादा शॉर्टकट कोई और नहीं हो सकता। सिंपल ज्योमेट्री है, दूसरे तीसरे दर्जे के बच्चे भी जानते हैं। दो नुक्तों के दरमियान सबसे छोटा फासला स्ट्रेट लाइन होती है। दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे छोटा फासला वो स्ट्रेट लाइन है। खुदा और बंदे के दरमियान सबसे छोटा फासला सिरात मुस्तकीम है, सीधा रास्ता। इस सिरात मुस्तकीम से हट के मजीद कोई शॉर्टकट तलाश ना करें, धोखा ना खाएं, ना खुद धोखा खाएं, ना दूसरों को धोखा दें। सिरात मुस्तकीम है, सिरात खुदा है, जो मोहम्मद व अली का रास्ता है, जो सलमान व अबू ज़र का रास्ता है, जो आशिकान अहले बैत का रास्ता है। यही रास्ता सिरात मुस्तकीम है। इसमें तकालीफ़ शरईयाँ हैं, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देनी है, खुम्स देना है, हज करना है, अमर बिल मारूफ़ नहीं अनिल मुनकर इसका पाबंद रहना है। तकालीफ़ शरईयाँ से आज़ाद नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है कि आप इबादत और रियाजत ना करें, अहले मारिफत हो जाएं। आप अहले मारिफत, किस दर्जे की मारिफत है आपकी? कैसा इश्क है आपका? पैगंबर से ज़्यादा मारिफत है, पैगंबर से ज़्यादा इश्क है। कौन सूफ़ी है, कौन आरिफ है, कौन मुर्ताव है, कौन अहले रियाजत है, कौन आशिक है, आकर मुझसे कहे पैगंबर से ज़्यादा मारिफत हक़ है, पैगंबर से ज़्यादा इश्क हक़ है। पैगंबर कितनी नमाज़ें पढ़ते थे, किन किन हालतों में नमाज़ें पढ़ते थे, किन किन कैफियतों में नमाज़ें पढ़ते थे। हर मुश्किल के वक्त नमाज पढ़ते थे, हैं आज़ादारान इमाम। मैं दस्त अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, दस्त अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, दस्त अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ। रसूल ने मैदान उहद में नमाज़ पढ़ी है, ज़ख्मी हालत में, ज़ख्मी हालत में। हुज़ूर का चेहरा मुबारक, चेहरा पुरनूर, लहू लुहान था तमाम तारीखों में। हुजूर हैं, इसमें आज़म हक हैं अलल इतलाक। हुजूर का कहना है मन रानी फ़कद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। हुजूर, हुजूर का चेहरा लहू लुहान है, ज़ख्मी है, नातवा है मैदान उहद में, फिर भी आपने नमाज पढ़ी है। अमीरुल मोमिनीन से बड़ा कौन आरिफ व आशिक हक होगा? कौन होगा? न धोखा खाएं, न धोखा दें। जवानाने अजीज, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, बुजुर्गों से तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अक्ल व फितरत की राह इख्तियार करें, दीन की राह इख्तियार करें, कुरान की राह इख्तियार करें। इस्लाम, 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 वो इस्लाम जो मोहम्मद व अली का इस्लाम है, वो इस्लाम जो हसन व हुसैन का इस्लाम है, वो इस्लाम जो जहरा और ज़ैनब का इस्लाम है, वो इस्लाम। बस गुफ्तगू ख़त्म हो गई, इससे ज़्यादा ताकत नहीं है, वरना कुछ देर फ़ज़ाइल पढ़ता। हुज़ूर ने नमाज़ें पढ़ी हैं, किस कैफ़ियत में, किस कैफ़ियत में? ज़ख्मी कैफ़ियत में, चेहरा लहू लुहान है मगर नमाज़ पढ़ी। बीबी जहरा ने नमाज पढ़ी है, किस हालत में पढ़ी है? कितने दिनों तक बीबी की पसलियां जख्मी थी, आज रुकुम अल्लाह, आज रुकुम अल्लाह, गिरिया कीजिए गिरिया। ये गिरिया बिदअत नहीं है, ये गिरिया शिर्क नहीं है, अल्लाह को ये गिरिया पसंद है।
जिससे जुल्म बेनकाब हो, जिससे मज़लूम के लिए दिलों में हमदर्दी पैदा हो, जिससे मज़लूमों की मारिफत पैदा हो, जिससे मज़लूमों से मोहब्बत और इश्क पैदा हो। ये गिरिया इबादत है, ये गिरिया फरीजा है। मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ मिंबरों से, कोई भी मर्द मुस्लिम मेरी गुफ्तगू सुन रहा हो, जाओ, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, कोई नज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, ज़ाती कोई पुरख्वाहिश नहीं है। तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, मगर जाओ, जाकर तारीख़ को पढ़ो, देखो रसूलुल्लाह ने एक बेटी छोड़ी थी। देखो, कुछ लोग कहते हैं उस बेटी की पसलियां टूट गई थी। तहकीक करो, तहकीक करो, जस्तजू करो। और वो रसूल की बेटी नमाजें पढ़ती रही, साबिरा ऐसी थी। हम क्या गिरिया करेंगे, हम क्या गिरिया करेंगे, हम क्या गिरिया करेंगे। अरे अली जैसे शजा ने बुलंद आवाज से गिरिया किया, अली जैसा शजा, अली जैसा साबिर, अली जैसा शजा, अली जैसा साबिर। उन्होंने जब बीबी को गुस्ल दे रहे थे, बुलंद आवाज से गिरिया किया। अस्हाब बावफा ने पूछा, आका अबुल हसन, ए मौला, ए अली, आप जैसा शजा इतनी बुलंद आवाज़ से गिरिया, क्या तुम्हें नहीं मालूम? अरे बीबी की पसलियाँ शिकस्ता थी, मगर मुझसे कहा नहीं। कयामत तक अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम कयाम कयामत तक, हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए ये मसला काबिल गौर है, ये मसला काबिल गौर है। बहरहाल मैं तो सिर्फ मिसालें दे रहा था। रसूल ने नमाज पढ़ी और किस हालत में नमाज पढ़ी, जहरा ने नमाज पढ़ी और किस हालत में नमाज पढ़ी, हसन और अली मुर्तज़ा ने नमाज़ें पढ़ी किन हालतों में नमाज़ें पढ़ी, हुसैन ने नमाज पढ़ी मैदान करबला में, जंग है, तीरों की बारिश है, मगर हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं। और बस अब आखिरी जुमला कह रहा हूँ, सब ने नमाज़ें पढ़ी, मगर जैसी नमाजी मेरे सज्जाद ने पढ़ी। ऐसी नमाजें आका सैयद सज्जाद ने पढ़ी हैं, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गले में खारदार तौ, लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया गया है, नमाजों का सिलसिला जारी है। खुदा करे आप सब शाम जाएं, शाम में मकाम ज़ैनबिया की ज़ियारत करें, जामे अमवी में जाएं, मकाम रसूल हुसैन के पास जाएं, जहाँ मेरे आका का सर रखा गया था, वहीं आज तक वो मकाम मौजूद है। जिंदान में सैयद सज्जाद ने नमाजें पढ़ी, वो मुसल्ला, वो जाए नमाज, वो आज भी बाकी है जो सैयद सज्जाद ने नमाजें पढ़ी हैं। ये नमाजें इमाम तक ले जाएंगी, इमाम खुदा तक ले जाएगा, इमाम और रसूल खुदा तक ले जाएगा। गाफिल ना हो, बस मैं पढ़ चुका, वजूद इमाम असर की बात थी, कहाँ कहाँ इमाम असर का जिक्र हुआ है। सैयद सज्जाद ने कहाँ कहाँ इमाम असर का जिक्र हुआ है, कोई मिटा नहीं सकता, कोई शक नहीं कर सकता। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, आज इस वक्त का आखिरी जुमला है, इमाम असर का, इमाम महदी का जिक्र उस मुख्तसर तरीन खुतबे में भी है जो सैयद सज्जाद ने दरबार यजीद में दिया था।
उस मुख्तसर तरीन खुतबे में भी इमाम मेहदी का जिक्र मौजूद है, जिस खुतबे में कहा है मैं फर्जंद मक्का व मीना हूँ, मैं फर्जंद मुस्तफ़ा हूँ, मैं फर्जंद अली मुर्तज़ा हूँ। हम वो हैं कि अल्लाह ने हमें बास ख़ास चीज़ें अता की हैं, हमें फजीलतें अता की हैं। हमारी फजीलत यह है कि अल्लाह का रसूल हम में से है, हमारी फजीलत यह है कि असदुल्लाह हम में से है, हमारी फजीलत यह है कि जाफर तैयार हम में से है, हमारी फजीलत यह है कि सिबतैन उम्मत हम में से हैं, हमारी फजीलत यह है कि महदी इस उम्मत का हम में से है। दरबार यजीद में यह खुतबा दिया है, वही यादगार खुतबा जो अजान पर ख़त्म हुआ है, और उस खुतबे में ये जुमले भी थे, बस तीन चार जुमले ही तो कहे थे सैयद सज्जाद ने, पूरा दरबार मुनकलिब हो गया था। ऐ ये जो हमारी तर्ज है जाकरी की, ये जो मजलिस है जिसमें पहले हम्द इलाही होती है, फिर कोई आयत कुरानी पढ़ी जाती है, फिर कुछ फजाइल का बयान होता है, फिर मसाइब का बयान होता है, ये पूरा तर्ज, ये पूरा सलीका मेरे सैयद सज्जाद ने अता किया है। फ़ज़ाइल भी हैं मसाइब भी, मगर हमें तो बहुत देर तक मसाइब पढ़ने पड़ते हैं। सैयद सज्जाद ने बस तीन चार जुमले कहे थे और इनकलाब बरपा हो गया, जब ये कह चुके कि हम ही में से मेहदी होंगे, फिर कहा मैं उसका बेटा हूँ जिसे तीन दिन का भूखा प्यासा खा के घर में करबला पर ज़बह कर दिया गया, मैं उसका बेटा हूं जिसके सर से अमामा लूट लिया गया, मैं उसका बेटा हूं जिसके जिस्म पर से लिबास उतार लिया गया, मैं उसका बेटा हूं जिसके लाशे को पामाल किया गया, मैं उसका बेटा हूं जिसके अहले बैत को असीर करके दयार बदयार बाजारों में परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ़ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम ज़माना की आँखें हमारे वजूद से ठंडी हों, हमारे इस गिरिया व बुका को कबूल फरमा, हमारी आज़ादारी को कबूल फरमा, हमारे मातम को कबूल फरमा, हमारे नौहो बैन को कबूल फरमा। परवरदिगार ये दुनिया बेचैनी और बेअमनी में मुब्तला है, अमन और आफियत के नकीब को इसने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत का परचम लहरा दिया।